दोस्तों मेरे जैसे कई लोग हैं जो मैकेनिकल कीबोर्ड पर जब आप टाइप करते हैं तो उससे एक क्लिकी साउंड आता है, उसको पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड वो परचेस कर ले। बट देखा जाए तो मैकेनिकल कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड से काफी महंगा आता है, और अगर आप परचेस करना चाहते तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप अमेजन से इसको परचेस कर सकते हैं। बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता मैकेनिकल कीबोर्ड परचेस करना, और नॉर्मल कीबोर्ड में इस तरह का साउंड नहीं आता जब भी आप टाइप करते हैं। बट एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है जब भी आप टाइप करेंगे अपने नॉर्मल कीबोर्ड पे तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा साउंड आएगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड भी आप वहां पे सेट कर सकते हैं कि जब भी आप टाइप करें तो इस तरीके का साउंड आपको सुनाई दे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टाइपिंग साउंड इफेक्ट को अनेबल कर सकते हैं अपने विंडोज के कंप्यूटर में। तो उसके लिए मैक वाइव्स करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब पेज से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में मिल जाएगा वहां पे, और इस गिटहब पेज पे आप यहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड फ्रॉम रिलीजेस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको मैक वाइव सेटअप 2.30o करके exe आपको फाइल मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद इसको आपको रन करना है। और यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे साउंड है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मेक श्योर कि इसको आप क्लोज नहीं करेंगे, इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। अब मैं आपको टाइप करके शो करूँगा।